हेलो दोस्तों, मैं मनोज पांडे अपने चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग अभी चैप्टर नंबर 8 को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में जो एक्सरसाइज 8.4 उसको चलिए कंटिन्यू करते हैं। और हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। दैट मीन्स हमको क्या करना है, साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में राइट करना है, सिंपली और कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको ऐसे सोचना है कि जैसे आपको ये देखना है कि साइन ए का रिलेशन किसके साथ होता है कि हमको उसके साथ रिलेशन में कॉट ए मिले। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। यह फार्मूला जानते हो पहले से, कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। और आपको पता है कि कोसेक का रिलेशन डायरेक्ट किसके साथ होता है, साइन के साथ। तो इस तरीके से हम लोग सोचेंगे और क्वेश्चन को आगे करेंगे। चलिए, तो कोसेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है, साइन ए का। हम ये भी जानते हैं, सिंस साइन ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अब सिंस यहाँ पर स्क्वायर है तो हमको यहाँ पर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस कोसेक स्क्वायर ए। अब हम लोग क्या करें, ये कोसेक स्क्वायर ए का ये जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर इसको पुट कर दें तो हमको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन कोसेक स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। अब अगर हम बोलें कि साइन ए का वैल्यू बताओ तो साइन ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको पता है कि अंडर रूट वन का वैल्यू तो वन ही होता है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरीके से साइन ए को हम लोगों ने कॉट ए के फॉर्म में राइट कर लिया है। अब चलिए सेकेंड को हम लोग करते हैं, सेक स्क्वायर ए। आपको पता है सेक का रिलेशन टेन के साथ होता है और टेन का रिलेशन कॉट के साथ होता है। इस तरीके से हम लोग इसको सोच करके करेंगे। तो हमको पता है कि सिंस क्या आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। और ये कैसे लर्न करना, इस सारे फार्मूले को मैं डिराइव भी किया हूँ। अगर आपको ये डेरिवेशन देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सेक स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर होता है, और आपको पता है टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, वन प्लस टेन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। एलसीएम लेकर के फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ये किसका वैल्यू आपको मिला, सेक स्क्वायर ए का वैल्यू मिला। बट हमको सेक स्क्वायर ए का वैल्यू नहीं पता करना है, सेक ए का वैल्यू पता करना इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए। तो इधर स्क्वायर उधर जाकर के रूट में बदल जाता है, आपको पता है। तो सेक ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए। फर्दर इसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सिंस ये स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो कॉट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए अपना रिक्वायर्ड आंसर हो गया, जो हम लोगों ने सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब चलिए लास्ट बचा आपका टेन है, तो आपको डायरेक्ट पता है कि टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट ए होता है। तो इसमें तो ज़्यादा कोई झंझट ही नहीं है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉट ए। तो आपका ये डायरेक्ट आंसर हो गया। तो हमारा एक सोल्यूशन ये हुआ, सेकेंड अपना ये हुआ, तीसरा ये हुआ। इस तरीके से हम लोगों ने साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में राइट कर लिया, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू हमको दिया हुआ है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। दैट मीन्स हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, टोटल सिक्स होते हैं, सिक्स में से हमको सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट ही करना है। तो बच गया फाइव, साइन कोसेक कॉस टेन कॉट, इन सभी को हमको क्या करना है, सेक ए फॉर्म में लिखना है। तो वन बाई वन हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन से। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, साइन का डायरेक्ट कोई रिलेशन सेक के साथ नहीं होता है,
तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि साइन को किस फॉर्म में लिखें कि हमको सेक आसानी से मिल जाए। तो आपको एक फार्मूला पता है कि साइन का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉस, कॉस के साथ, और कॉस का रिलेशन किसके साथ होता है, सेक के साथ। तो ऐसे ही हम लोग सोच करके इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन होता है। इस फार्मूले को मैं डिराइव भी कर चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और आपको सिंपली याद भी होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ साइन स्क्वायर ए को आप लिखो तो क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस उधर जाकर के माइनस, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस की जगह वन अपॉन सेक स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हो आप ऐसा। फर्दर इसको करते हैं तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लीजिए तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए। अगर अब मैं बोलूँ आप साइन स्क्वायर ए का वैल्यू बताइए तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए। कभी भी इधर स्क्वायर हो दोस्तों उसको आप राइट साइड कन्वर्ट करोगे रूट में तो उसको प्लस माइनस करके लिखना है। आपको ये लर्न कर लीजिए, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको याद करके रखना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्लस को ही कंसीडर करते हैं, एक्चुअली माइनस को कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ साइन ए का वैल्यू आप बताओ तो साइन ए इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, इसको आपको रूट में लिखना है तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन, और रूट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इसको लिखोगे सेक ए वनली, तो साइन इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए। इस तरीके से साइन ए को हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आपको कोसेक को कन्वर्ट करना है तो कोसेक जस्ट इसका उल्टा होता है, तो इसको भी हम लोग उल्टा कर दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो कोसेक का वैल्यू पता चल जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो कोसेक ए इक्वल्स टू क्या होता है, वन अपॉन साइन ए, वन अपॉन साइन ए, और साइन ए हम लोग निकाल चुके हैं तो इसको जस्ट बस आप उल्टा कर दीजिए तो सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। इस तरीके से आप देखिए हमारा कोसेक ए का भी वैल्यू आ गया, साइन कोसेक का वैल्यू आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं कॉस की तरफ। तो कॉस ए का तो डायरेक्ट ही रिलेशन आपको पता है सेक के साथ है, तो कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन सेक ए। तो इस तरीके से देखें तो एक आपका ये रिलेशन पता चला, सेकेंड ये रिलेशन पता चला, थर्ड आपका ये रिलेशन पता चला। सेक को आपको बदलना ही नहीं है, बच गया टैन और कॉट, तो चलिए टैन और कॉट को बदलते हैं। तो अगर हम लोग याद अगर आपको होगा तो सेक और टैन का डायरेक्ट रिलेशन होता है, वो क्या रिलेशन होता है, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अगर हमको टेन स्क्वायर ए को लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन इधर आकर के माइनस, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो अगर आपसे बोला जाए कि आप टेन ए का वैल्यू बताइए तो ये प्लस माइनस अंडर रूट में फिर आपका चला जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्लस को ही कंसिडर करेंगे तो हमको मिलेगा टेन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। इस तरीके से हमारा टेन का वैल्यू पता चल गया। अब टेन पता चल गया तो कॉट इसका उल्टा होता है, तो आप कॉट डायरेक्ट निकाल सकते हो, कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन टेन ए होता है। तो इसका आप उल्टा करोगे तो आप लिख लीजिए वन अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो हमारा कॉट ए का भी वैल्यू निकल गया। हमको इसमें करना क्या था, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को सेक ए के फॉर्म में लिखना था। तो हमारा पहला यहाँ पर हो गया साइन ए को हमने कन्वर्ट किया सेक ए के फॉर्म में, देखिए कोसेक को भी कन्वर्ट कर लिया सेक ए के फॉर्म में, साइन पता चल गया तो उसका उल्टा था कोसेक ए। कॉस सेक का उल्टा होता है तो आप कॉस ए को डायरेक्ट ही लिख सकते हो वन अपॉन सेक ए। अब सेक को तो सेक के फॉर्म में बदलना नहीं है, अब अपना फर्दर जो हमको चेंज करना है वो टेन ए है। तो हमको डायरेक्ट रिलेशन पता था सेक का और टेन का, ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए।
तो टेन स्क्वायर है ये उधर आकर के माइनस हो गया, तो टेन को लिखेंगे अंडर रूट में सेक स्क्वायर है माइनस वन। तो इस तरीके से हमारा टेन का भी वैल्यू पता चल गया, और टेन पता चल गया तो टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, और कॉट को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन टेन है, तो जस्ट हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इस तरीके से हमारा कॉट का भी वैल्यू पता चल गया। देखिए कुछ स्टूडेंट को ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है ट्रिग्नोमेट्री, बट अगर आप सारे फार्मूले और कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से जाने, फार्मूला अगर आपको लर्न हो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो, तभी आपको ये समझ में भी आएगा। तो कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाया हूँ, फार्मूलों को डिराइव भी कराया हूँ। तो अगर यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, तब यहाँ पर आएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन थ्री हमारे पास दिया है, इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट दिया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इसको इवेलुएट करना, दैट मीन्स इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका आंसर लाना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए ऐसे में क्वेश्चन में हमको करना क्या है, हम लोग किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को चेंज करेंगे और दूसरे को चेंज नहीं करेंगे, कि जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में हम लोग कर रहे थे, ये वैसे ही क्वेश्चन है। तो अगर देखिए इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो अपना ये बदल जाएगा कॉस स्क्वायर 63 और ये सॉरी कॉस स्क्वायर 27 में बदल जाएगा और ये साइन स्क्वायर 27 है। तो इस तरीके से ऊपर में भी 1 मिलेगा, नीचे में भी 1 मिलेगा और आंसर आपका इसका डेफिनेटली 1 आने वाला है। चलिए इसको देखते हैं कैसे 1 आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस 27, 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं, सिंस इसका स्क्वायर है हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसको चेंज नहीं करेंगे, एक को चेंज करना है आपको, एक को चेंज नहीं करना है, डिवाइडेड बाय सेम वही काम यहाँ करना है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 माइनस 73 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा का फार्मूला ऑलरेडी मैं पिछले एक्सरसाइज में आपको बता चुका हूँ। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस 27 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन सेम वही है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 73 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73। फर्दर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कॉस 27 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 होल अपॉन साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए ये फार्मूला आपका बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप बहुत अच्छे से जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और नहीं पता है तो आपको याद होना चाहिए। वैसे ये भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन और कॉस का स्क्वायर हो, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो, तो उनको हम लोग डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, तो 1/1 और इसका आंसर क्या आ गया 1, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 का वैल्यू बताओ, इसको भी इवेल्युएट ही करना है, तो इसको भी सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग ध्यान से अगर देखें क्वेश्चन को, तो हम लोग किसी एक को अगर चेंज करें, सपोज करो जैसे मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, आप इसको भी कर सकते हो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 25, तो कॉस 90 माइनस 25 अगर आप करोगे तो ये साइन 25 में चेंज होगा, और यहाँ पर भी साइन 25 है, तो साइन 25 साइन 25 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25। वैसे ही कोशिश करें अगर हम लोग यहाँ पर चेंज करने का, तो ये आपका कॉस स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो फिर वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, डेफिनेटली इसका भी आंसर 1 आएगा। चलिए इसको करके देखते हैं, बाकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन ही देख करके समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या आने वाला, बट ये प्रैक्टिस करने के बाद ही आपसे होगा। तो चलिए एक को मैं चेंज करना चाहता हूँ, आप इसको करो चाहे इसको करो, चलिए मैं सेकेंड को करता हूँ, तो ये साइन स्क्वायर सॉरी तो यहाँ पर आपका ये है साइन 25 इंटू कॉस को क्या मैं बोला हूँ लिखना है कॉस 90 माइनस 25 आपको ऐसे लिखना है प्लस, अब यहाँ पर आप
साइन को चेंज नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आपको कॉस को चेंज नहीं करना है, तो कॉस 25 को आपको सेम लिखना है और इस साइन को हम लोग चेंज करेंगे साइन 90 माइनस 25 ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए फर्दर इसको अगर हम लोग देखें तो ये आपका रहेगा साइन 25 ही रहेगा और ये कॉस 90 माइनस थीटा, में क्या बोला साइन थीटा होता है तो थीटा मतलब 25, तो इनटू ये आपका हो जाएगा साइन 25 प्लस कॉस 25 को एज इट इज आपको राइट करना है जैसे लिखा हुआ है इनटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है और थीटा कितना है 25, तो ये हो जाएगा कॉस 25। देखें साइन 25 टू टाइम्स है तो इसको हम लोग दो बार है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर 25 प्लस, वैसे ये भी टू टाइम्स है इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 25। और आपको फिर देखिए फार्मूला मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इस तरीके से ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारे सोल्यूशन समझ में आए हों जो भी मैं करवाया हूँ तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आप प्लेलिस्ट में जा करके ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है 8 उसके सारे क्वेश्चन 1 by 1 मैं करा चुका हूँ। 8.3 तक कम्प्लीट हो चुका है, 8.4 अभी हम लोग कर रहे हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।